बढ़ चले आगे बढ़ो करेंगे मेहमान मुख्तार की खिदमत में। आए श्रीमान 30 प्रोडक्शन डीएसपी एक्शन प्रोडक्शन सब इंस्पेक्टर दीक्षांत पैट पर पैट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। जिनकी गाड़ी पर सवार हुए उनके हमरा अपनी जगह लेते हुए मेरी परेड आपकी कमांड के लिए बिल्कुल तैयार है। निकल पड़े इस खूबसूरत दीक्षांत परेड के कमांडर प्रोफेशनल डीएसपी विक्रम नाथ अपनी एक साथ छोड़ना खूबसूरत मंजर रहता है। हुक्म तीर से मैदान से बाहर दिल को छू लेने वाला मंजर चले आगे बढ़ो करेंगे मेहमान मुख्तार की खिदमत में। आए श्रीमान 30 प्रोडक्शन डीएसपी एक्शन प्रोडक्शन सब इंस्पेक्टर दीक्षांत पैट पर पैट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। जिनकी गाड़ी पर सवार हुए उनके हमरा ये लम्हा है रस्ते हफ्ते वफादारी का for sacrifice and valor in the service of mankind. The oath will be administered by हर चाहता हूँ के मैं आईने हिंद का वफादार रहूंगा मैं देश और लोगों के कहीं अपने फ्राइज की सरंजाम दही में अपनी जान तक नुशावर करने के लिए तैयार रहूंगा। कानून लागू करते वक्त बगैर किसी खौफ और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं अपने अमल और रक्तोजबर से पुलिस फोर्स के पकड़ को दोबारा करूंगा।
आपको ही जाता है, मुआयना फरमाने के बाद वापस लौटता है। नमाने मुमताज मुआयने की गाड़ी जेके सिफतों की 4719 आगे रुकी। श्री वी के जमवाल
Deputy SP Probationer Rohan Farooq, receiving his award of being the best sportsman, he'll be awarded with the Chenab Trophy. Hey, hey, Dorane Tarbiyat, Probationer DSP Rohan Farooq. He'll be given a Jhelum Cup and a memento. Thank you, sir. घुड़सवार दौराने तरबियत नगर आने गए हैं प्रोफेशनल डीएसपी विक्रम नाग बेस्ट राइडर मैन ही बी गिवन अ त्रिकुटा कप एंड अ मेमेंटो बेहतरीन आंख और उंगली का कमाल ट्रिगर का दबना और मार्क्समैन की ट्रॉफी हासिल करना एजाज हासिल करते प्रोबेशनर डिप्टी एसपी अनम जहूर मनहास First in outdoor, Probationer Deputy SP Vikram Nag. He'll be awarded with the Director's Trophy and a memento. Outdoor में सबसे बेहतरीन गर्दाने गए हैं Probationer DSP Vikram Nag. सबसे बेहतरीन गर्दाने गए हैं दौराने तरबियत. Yes sir. Probationer DSP Khadim Hussain. और आज एजाज हासिल करते हैं. May I just request the audience for a very huge round of applause. It is indeed a moment to enjoy and cherish. He'll be given Governor's Appreciation Letter and a Sword of Honor. सबसे बेहतरीन गर्दाने गए हैं दौराने तरबियत अपने बैच में प्रोबेशनर डीएसपी विक्रम नाग ऐतिहासिक पल विक्रम के लिए आज यादगार लम्हा और आज एजाज हासिल करते हैं मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक से आज तशरीफ लाने वाले हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी उनके हम यहां तशरीफ ले आएंगे आपका हार्दिक अभिनंदन खुशामदीद सर वफादारी का आज ये शपथ ली जानी है इसी मैदान से देश में मर मिटने की कस्में और वापस लौटते परेड कमांडर अपनी जगह लेते ये मंजर देखिए मौजूद मेहमानों हम सब खड़े होंगे Professional DYSP is a 15th batch.
the professional PSI in the 25th batch. I extend a very warm welcome to each one of you at Sher e Kashmir Police Academy Udhampur. Sir, the training of 30 professional DYS, please. Army और CAPF के अधिकारीगण, ट्रेनिंग के पश्चात मातृभूमि की सेवा के लिए दफ्तर 30 PSP तथा 61 सब इंस्पेक्टर, उनके परिजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था, सामान्य जन की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे खाकी के सभी 91 वीरों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज असाधारण उपलब्धि के लिए जिन्हें सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला है, उनको तथा उनके परिजनों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों तथा अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना आदर व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। बारामूला के बहादुर सिपाही मुदस्सिर के पिता अहमद शेख साहब के सब मुझे याद हैं और उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने लड़ते लड़ते देश के लिए जान दे दी, हमें इसका फख्र है। हम जानते हैं कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी देकर हजारों लोगों की जान बचाई है, ये मेरे लिए फख्र का विषय है। मैं अहमद शेख साहब के घर पर उनसे मिलने गया। मैंने उनसे कहा था कि हर माँ ऐसा बच्चा पैदा करे जो मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस का हर सिपाही शेर है और बलिदान की परंपरा का ध्वजवाहक भी है। वर्षों से माँ भारती की सेवा में हजारों पुलिस के बहादुरों ने अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान से इस मिट्टी को अमर बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के त्याग और समर्पण को मैं सब सब नमन करता हूँ। इस पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आप सभी के जोश, जज्बे और समर्पण को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। देश में शायद ही कोई ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो और प्रतिदिन एक नए समर में तमाम चुनौतियों का अपने त्याग, साहस और समर्पण। ये बेहद खुशी का मौका है कि आज 91 ऑफिसर्स का बैच, जिसमें 30 प्रोबेशनरी DPSP और 61 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर पुलिस के बड़े परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस बैच को एक दो बार मिल सका और इनके साथ गुफ्तगू कर सका। और मुझे ये लगा कि ये बैच, जैसा कि हर बार होता है पुराने बैचेस से, बहुत अच्छा ट्रेन है और हर तरह की ड्यूटी, हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। और एक अच्छी बात है कि इस पूरे बैच के अंदर 15 महिला ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं। 91 के बैच में 15 लेडी ऑफिसर्स से विजय प्राप्त की होगी। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णाक्षरों में अंकित। देश की एकता अखंडता के लिए MT-KLR ऑपरेशन एवं जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सिर्फ ड्यूटी मात्र नहीं है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प है। मैं कामना करता हूं कि कर्म क्षेत्र में इस वक्त आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य और वो क्षमता पैदा करें, ताकि देश की एकता अखंडता बनाए रखने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सदैव निर्वहन कर सकें। अभी मैं परेड तथा मार्च पास्ट देख रहा हूं। कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए नौजवान वेमन ऑफिसर्स के हर एक कदम में परिश्रम, कर्तव्य परायणता, पराक्रम और कुर्बानियों की कहानी जुड़ी हुई दिख रही। युवा साथियों, ट्रेनिंग के दौरान
आप जम्मू कश्मीर पुलिस की लेगेसी से परिचित हुए होंगे। यह आपके लिए गर्व का विषय है कि आप देश की ऐसी फोर्स के हिस्से बन रहे हैं जो पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा आंतरिक सुरक्षा के अनेक मोर्चों पर काम करती रही है। इस अकेडमी के डायरेक्टर और जिन सीनियर ऑफिसर ने आपको प्रशिक्षित किया, जो सीनियर आज भी कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए एक एक दिन तपस्या की है, अपना खून पसीना बहाया है, वही आपके सच्चे आदर्श हैं और मैं कामना करता हूँ उनका मार्गदर्शन सदैव आपको मिलता रहे। युवा साथियों, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए पासिंग आउट परेड उपयुक्त समय नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार चल रहे ऑपरेशन, कानून व्यवस्था की स्थापना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रोन से बढ़ रहे खतरे, साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, ऐसी अनेक चुनौतियां आने वाले समय में आपके सामने आएंगे और उन पर कामयाबी हासिल करना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो सामान्य अपराधी हो या फिर आतंकवादी हो। उससे दो कदम आगे रहना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की ऐसी गौरवशाली फोर्स है जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया और हमेशा बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए वो तैयार भी है। इस बैच में भी विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि के लोग शामिल। मुझे अकेडमी के डायरेक्टर इस खतरे से भी निपटना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले साल आई, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे देश में ज्यादातर आईपीसी के अंतर्गत क्राइम के केसेस कम हुए और कुछ केसेस जैसे आईपीसी में 302 में 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई है। लेकिन साइबर क्राइम की कैटेगरी में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े एक प्रकार का ट्रेंड बताते हैं और आज साइबर थ्रेट सोशल हार्मनी स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसा फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पॉन्स के लिए भी आप सभी को आने वाले समय में चौकस रहना होगा। एक ऐसी समस्या है जिसका स्वरूप प्रतिदिन बदल रहा है। जिस प्रकार क्रिमिनल लैंडस्केप में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार पुलिस फोर्स में भी लगातार स्किल सेट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई भी देश हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी एक प्रकार सभी का एक स्वर से ये मानना है कि फिजिकल सीमाओं से परे इस खतरे से निपटने के लिए फोर्स को फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए भी तैयार करना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के टूल्स का किस प्रकार बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में सोशल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन उस मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण चुनौती भी आपके सामने होगी। साथियों, मैं मानता हूँ पुलिस के सामने बहुआयामी चुनौतियाँ हैं। वर्षों से भारतवर्ष अपने पड़ोसी मुल्क द्वारा निर्यात किए जा रहे आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे पुलिस तथा सुरक्षा बलों के जवानों ने देश के अनेक हिस्सों में इन आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने में सफलता पाई है। फिर भी उससे जुड़े कुछ संगठन और उनकी आइडियोलॉजी के मुट्ठी भर संरक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के असीम पराक्रम से दशकों से फल फूल रहे इकोसिस्टम पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है। संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे
निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने DGP, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। पूरे विश्व की पुलिस फोर्स में इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही कि कोई भी बल साइलोज में काम नहीं कर सकता। पुलिस तंत्र के तमाम अंगों को एक साथ मिलकर काम करना आज आवश्यक प्रतीत होता है, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी समस्या और भी यहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि उसका मुकाबला कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी को पंगु बनाने का कुछ प्रयास पड़ोसी मुल्क के द्वारा हो रहा है। ये नार्को टेरर आतंकवाद को भी पोषित कर रहा है। मैं इस बड़ी चुनौती से निपटने में आप सभी के सक्रिय सहयोग की उम्मीद करता हूँ। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर ट्रेनिंग के दौरान आप सभी ने गहन चर्चा और मंथन किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस एकेडमी की ट्रेनिंग आपको जीवन भर प्रेरणा देगी। भारतवर्ष प्राचीन काल से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आपसी सद्भाव का ध्वजवाहक रहा है। उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम को भी करती रहती है और आम जनता के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाती रही है। मुझे उम्मीद है कि अपने कार्यों से आप सभी इस तरह समाज का स्नेह, आभार और सम्मान जरूर अर्जित करेंगे। एक बार पुनः आज मैं परेड में शामिल मां भारती के सभी बहादुर सिपाहियों को बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी ऑफिसर्स तथा उनके परिवारों के प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस दिन प्रतिदिन मजबूत हो, उसका शौर्य और पराक्रम बढ़े। आप सभी उसकी महान परंपरा एवं उस महान कर्तव्य को हमेशा याद रखें जो इस फोर्स के मजबूत कंधों पर है। यही निवेदन मुझे आज आपसे कहना है। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने DGP, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। ट्रेनिंग के दौरान आप जम्मू कश्मीर पुलिस की लेगेसी से परिचित हुए होंगे। यह आपके लिए गर्व का विषय है कि आप देश की ऐसी फोर्स के हिस्से बन रहे जो पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा आंतरिक सुरक्षा के अनेक मोर्चों पर काम करती रही है। इस एकेडमी के डायरेक्टर और जिन सीनियर ऑफिसर्स ने आपको प्रशिक्षित किया है, जो सीनियर्स आज भी कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए एक दिन तपस्या की है, अपना खून पसीना बहाया है, वही आपके सच्चे आदर्श हैं और मैं कामना करता हूं कि उनका मार्गदर्शन सदैव आपको मिलता रहे। युवा साथियों, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए पासिंग आउट परेड उपयुक्त समय नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार चल रहे ऑपरेशन, कानून व्यवस्था की स्थापना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रोन से बढ़ रहे खतरे, साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, ऐसी अनेक चुनौतियां आने वाले समय में आपके सामने आएंगी और उन पर कामयाबी हासिल करना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चाहे वो सामान्य अपराधी हो या फिर आतंकवादी हो, उससे 2 कदम आगे रहना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की ऐसी गौरवशाली फोर्स है
जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और हमेशा बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए वो तैयार भी हैं। इस बैच में भी विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। मुझे एकेडमी के डायरेक्टर साहब ने दीक्षांत परेड में शामिल युवा पुलिसकर्मियों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की कुछ डिटेल्स भेजी थी। इसमें से कुछ पीएचडी हैं, एमफिल, बीटेक, बी, एमसीए और यहां तक कि एमबीबीएस भी किया है। यह हमारे पुलिस फोर्स की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आपकी शिक्षा तथा पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग आने वाले भविष्य की तमाम चुनौतियों से निपटने में निश्चित रूप से मदद करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, कंप्यूटर के अधिकतम उपयोग से विकास के साथ साथ पुलिसिंग के सामने एक नई चुनौती पैदा हुई है। खास करके बीटेक और एमसीए की पृष्ठभूमि से आए लोग जानते हैं सोशल मीडिया, डार्क वेब, इंटरनेट का मिसयूज करके किस प्रकार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी